ओकी तो गेमर्स, आप सभी लोगों का बहुत बड़ा वाला स्वागत है। तो गेमर्स, इस वाले वीडियो में मैं आज आप सभी लोगों को बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि होने वाला आप सभी लोग का हिपस्टेबिलिटी को लेकर, ठीक है। तो गेमर्स, काफ़ी सारी मतलब कि प्लेयर्स होते हैं जो कि हिप स्टेबिलिटी को लेकर मतलब कि सीरियस नहीं लेते, उसी लगता है केवल बस फायर करना है, गन अच्छी लूट लेना है और बस फायर करते रहना ताकि बंदे मर जाए। लेकिन ऑसन नहीं होता। आप सभी लोगों को कुछ बातें ध्यान में रख के चलना चाहिए हमेशा BGMI में। अगर आप सभी लोगों का एक ही सपना है कॉन्करर तक जाने या फिर एज तक जाने का, ठीक है, और BGMI में प्रो प्लेयर बनना है और बनना है और बनना है, और आप सभी लोग अपने दोस्तों को भी चमका सकते हो। खैर, ऐसे बहुत कम होते हैं अपने जो दोस्तों को चमकाते, जो रियल बंदे होते हैं वो दोस्तों को नहीं चमकाते, वो उनकी मदद करते हैं, ठीक है। तो आपका भाई आज आप सभी लोगों के लिए बेहद ही बढ़िया सा वीडियो लेकर आया हमेशा की तरह। आप सभी लोगों को भी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। खैर, मैं ज़्यादा बकचोदी नहीं करूँगा, ठीक है, ज़्यादा बकवास बिल्कुल भी नहीं करने वाला, बस मैं फटाक से आप सभी लोगों को बस कुछ बातें बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दो ड्रील्स बिल्कुल यार पार देना, ठीक है, एक हफ्ता में पार देना बिल्कुल वो ड्रील्स को, ठीक है। इतना प्रैक्टिस करना कि आप सभी लोग को दिख जाएगा क्या इम्प्रूवमेंट आपके भाई ने करवाई है, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, ठीक है। आपकी आपको बिल्कुल रियल में दिखेगा कि आपके भाई ने बिल्कुल क्या फार ड्रिल बताया यार, क्या बताया। तो चलते हैं बिना किसी टाइम बर्बाद किए, मतलब कि बिना भी आपका मतलब कि महत्वपूर्ण समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं फटाक से ड्रिल्स की तरफ चलता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ठीक है, मैं भी उस वाली ड्रिल पे अभी तक बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हुआ, इसलिए थोड़ी मुझे मतलब गलती हुई है, ठीक है, तो यार प्लीज़ माफ़ करना। मुझे भी हाल फिलहाल में पता चले तो मुझसे रहा नहीं गया, ठीक है। आप सभी लोग बस प्रो बनते हुए देखना, मेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही थी कि मैं फटाक से आप सभी लोग को बता दूँ, बस आप सभी लोग कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत क्लियरली मैंने कॉन्सेप्ट बताया। तो चलते हैं अब ड्रील्स पे। सो गेमर्स, आप सभी लोगों को अपने ट्रेनिंग ग्राउंड पे आ जाना और आप सभी लोग को M416 और स्कारल उठा लेना है, ठीक है। और एक बात, हाँ यार, M416 और स्कारल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाली गन बहुत ज़्यादा स्पॉन होती है और ज़्यादातर बंदे यही दोनों गन्स भी लेना चाहते हो, ठीक है। होता है एक AKM वगैरह भी, लेकिन इन दोनों से प्रैक्टिस कर लो, बाकी सब की भी हो जाते, ठीक है। तो आपको अब करने की है, मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर आपको अगर ढंग से करनी तो यार बिल्कुल लॉयलिटी रख के बिल्कुल यार मतलब प्रैक्टिस करना, ठीक है, और बिल्कुल अच्छे ढंग से करना, ठीक है। अब बात ये रही कि आप सभी लोग को प्रो अगर सच में बनना है तो यार ये वाली बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाली प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे आप सभी लोग को आ जाना और बस एम को यहाँ पे रखना है, एम को यहाँ पे करना है और आपको बस ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे करते रहना। उससे होगा कि आपको ओपोनेंट आप पे आपका ओपोनेंट का बुलेट्स आप पे कम अटैच होगा, लेकिन आपका आपका बुलेट्स जो काफ़ी ज़्यादा अटैच होगा। खैर, अभी देखिए यहाँ पे ये जगह पे आपका अगर अटैच नहीं हो पा रही तो कोई बात नहीं, आप सभी लोग नीचे पे अभी शुरुआत में ट्राई कर लें, 2 से 3 दिन, मतलब कि एक दिन नीचे पे करें या एक दिन नहीं है तो 2 दिन कर ले, ज़्यादा नीचे पे ट्राई ऐसे ऐसे करते रहना बस आप सभी लोग को, फिर धीरे धीरे जाके ऐसे ऊपर आना, ठीक है, मतलब फिर जाके आप सभी लोग ऊपर में ट्राई करें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि आपका जो एम है ये यहीं पर है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्या होगा, मानता हूँ आपके 10 गोली निकली है, 10 में से अगर 6 या 4 भी अटैच होती है हेड पे तो वो बंदा खत्म है, ठीक है। आप सभी लोग को तो पता ही है कि हेड की काफ़ी ज़्यादा मतलब अहमियत होती है हेड पे मारना, ठीक है, हेडशॉट देना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग को गन भी स्विच कर करके इस तरह से आप सभी लोग कर सकते हो, इससे होगा कि आपका गन्स की भी स्विच करने की काफ़ी ज़्यादा ब्रेन मसल्स बन जाएगी, मतलब कि मसल पावर इंक्रीज हो जाएगी और हैंड पावर, और आप सभी लोग को बिल्कुल आदत बन जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप सभी लोग का एमओ खत्म हो जाता है तो आप सभी लोग फटाक से स्विच भी करना रहता है, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा झंझट हो जाती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बंदे को देखा है, जैसे कि ये बहुत सारे लड़के होते हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे बंदे ऐसे करते हैं कि वो एक ही गन से मार रहे हैं, ठीक है, एक ही गन से मारने के बाद वो क्या करते हैं, वो गन को रिलोड करने लग जाते हैं और तक में वो ख़त्म हो जाते हैं। यार आप सभी लोग को फटाक से मारना है और रिलोड नहीं, फटाक से आप सभी लोग को गन स्विच करना। अब जो आप सभी लोग ने 2 दिन इस वाले 3 दिन चलो 3 दिन इस वाले प्रैक्टिस किया और अब चौथी वाली प्रैक्टिस बहुत हार्ड है, ये वाली जगह देखो, ये वाली बिल्कुल एज पे, ठीक है। आप सभी लोग को हेड यहाँ पे पा जाना और बिल्कुल हेड को मेज़र कर लेना है, ठीक है। हेड आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मार्क लगा देता हूँ, आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पे हेड है, ठीक है, बिल्कुल मार्क बिल्कुल वहीं पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार इसे ढंग से लगा देता हूँ, स्कोप बिल्कुल ओपन करके पूरा परफेक्ट, तो फिर मैं यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब आप सभी लोग देख सकते हो, अब आप सभी लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ इधर आना है और बस बिना फायर किए आप सभी लोग को इसमें इस तरह से प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। इस वाले प्रैक्टिस को आप सभी लोग बिना फायर किए 2 दिन तक करना है, ज़्यादा ज़्यादा ट्राई करना आप सभी लोग अपने क्रॉस बो जो उस पर रखना, मैं भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हुआ हूँ, मैं भी खुद ट्राई कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद आप सभी लोग को 2 दिन के बाद गन्स फायर करके करना है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा यार फ़ायदा होता है, ठीक है, इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपकी ही फास्ट स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इससे होगा कि ओपोनेंट को काफ़ी ज़्यादा बुलेट्स लगेगी और आप बहुत जल्दी मतलब कि प्रो जैसे महसूस करने लगोगे और आप सभी लोग प्रो भी बनी जाओगे, ठीक है, क्योंकि मेन यही होता है यार, आपको बंदे ना मारे आप लेकिन मार दे, इसी से आपका दूसरा बंदा भी मरता है, ठीक है, तो आप सभी लोग को बस इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना है और बस जो जो मैंने दो ट्रिक बताई है। और हाँ यार एक और बात आप सभी लोग को ध्यान में देना है, मैं कुछ बातें और बताता हूँ, ठीक है, मैंने काफ़ी बार देखा है कि यहाँ पे आप सभी लोग का एम भी मतलब कि परफेक्ट बहुत ज़्यादा होना जरूरी है, जैसे सिंगल में आप सभी लोग ने हिप स्टेबिलिटी देके तो मतलब फायर करना सीख लिया, आप सभी लोग को बस यहाँ आना है और 6x या फिर रेड डॉट लगा के बस आप सभी लोग को इस वाले फायर को मतलब कि सीधा बस पीछा करना है, ठीक है, बस इस तरह से करते रहना है, बस 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 काफ़ी मतलब कि बस इस तरह से करते रहना है, ठीक है, और फिर अब फिर उसके बाद इस वाले करने के बाद आप सभी लोग को तुरंत फटाक से इस पर स्विच हो जाना, ठीक है, बस आपको इसी तरह से करते रहना, फिर इस पर स्विच होना, बस आपको बस इसका फिर करते रहना, इससे आपको होगा कि आपको बिल्कुल टाइमिंग का अनुमान लग जाएगा, अगर पास रहेगा तो वो बंदा कितना देरी पे मूव करेगा और दूर रहेगा तो कितना देरी पे मूव करेगा, अगर आप सभी लोग इसको प्रैक्टिस करते हो तो आपका ब्रेन मसल्स बिल्कुल उसी तरह से डेवलप होगा कि आपको बिल्कुल पता चल जाए, ठीक है। और मैं एक और सजेशन देना चाहता हूँ, जैसे आप सभी लोग स्कोप ऑन करते हो तो यार आप सभी लोग रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए ना मतलब कि आप सभी लोग स्कोप का बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी कर सकते हो, जैसे आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, रिकॉइल इससे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता है, मैं जैसे कि बता दूँ यहाँ से मतलब कि रिकॉइल काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है, ठीक है, स्कोप ये जायरो ऑन करने से, ठीक है, ओनली खाली स्कोप इन में करके आप सभी लोग को सेंसिटिव में जाना है और आप सभी लोग को बस यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो जायरो ऑलवेज ऑन नहीं करना, अगर आप सभी लोग नहीं झेल पाते हो, आपका डिवाइस भी नहीं झेल पाता तो आप सभी लोग बस स्कोप ऑन में करना, क्लोज नहीं रखना स्कोप ऑन, मेरी तरफ से मतलब कि आप सभी लोग का राय है, अब आप लोग माने ना माने, ऐसे आप सभी लोग परफेक्ट है तो काफ़ी बढ़िया बात है, ठीक है, तो आप सभी लोग बस इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना ये वाला भी बिल्कुल, और रेड डॉट पे भी मतलब करते रहना ताकि आप सभी लोग को बिल्कुल बहुत ज़्यादा आदत हो जाए कि यो बंदा कितने देर में कितने देर कहाँ तक मूव कर सकता है। सो द गेमर्स, आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से ड्रीम्स वगैरह समझ आ गई होगी, उसके बाद बहुत अच्छी समझ आ गई होगी, अगर समझ आई है तो लाइक करना उस भाई के लिए, और हाँ यार एक और बात आप सभी लोग कमेंट भी जरूर करके बताना। तो आप सभी लोग को अब एक और बात आती है गेम सेंस, तो यार गेम सेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि मैंने पिछले कुछ वीडियो में बहुत बार बताया, ठीक है, तो इस बारे में मैं शॉर्ट्स में थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि गेम सेंस में ये होता है कि आप सभी लोग अपनी टीम को लेकर चलना है, आप सभी लोग को अकेले बिल्कुल भी रस नहीं करना है, ऐसी काम नहीं करना है जो कि आपसे मतलब कि आपके टीम में ना उम्मीद रखे, ठीक है, यानी कि आप सभी लोग से यही उम्मीद रखती, देखो मैं मेरी वीडियो जो भी देखता है यार वो मतलब कि अपनी टीम के लिए समझ लो बहुत से बंदे को किल कर देता है, ठीक है, मतलब बहुत सारे किल निकालता है, तो यार प्लीज़ आप सभी लोग मेरे बैच के बंदे हो, ठीक है, समझ लो आप, मैं आप सभी लोग को एक कोचिंग दे रहा हूँ तो आप सभी लोग एक बैच के बंदे हो, तो आप सभी लोग को पूरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप सभी लोग को पूरा एक स्क्वाड का रखवाली करना, ठीक है। सो गेमर्स आज के इस वाली वीडियो में इतने यार, अब मिलता कल इसी वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और लाइक को ठोक देना।